महात्मा का ध्यान नहीं रहा, वो सामने वाले को देख रहे हैं। उधर वो घड़ी तो जैसे आई वैसे, पहले कथा में बैठे तो महात्मा के पास घड़ी नहीं थी, और कथा से उठे तो महात्मा के पास घड़ी नहीं, बीच में घड़ी दिखाई पड़ी और खुश हो गए कि मुझे घड़ी चढ़ाई, किसने घड़ी चढ़ाई, मुझे घड़ी चढ़ाई। कथा कर रहे खुशी घड़ी की मना रहे, अब जब कथा से उठे देखा घड़ी नहीं है तो महात्मा कहने लगे हाय आई और गई, हाय आई और गई, हाय आई और गई, घड़ी आई गई और बीच में क्या रह गई, हाय। समझ में आ रही है, ये संसार में हाय हाय के सिवाय और कुछ नहीं रहना है। जितने संयोग हैं आया और गया, खाली हाय छूट जाती है भाई। पुत्र विचार दे रहा, समझो पिताजी। जब गोकर्ण ने इतनी बढ़िया बात सुनाई, क्यों गोकर्ण से क्यों सुनी, अब ध्यान दो गोकर्ण का अर्थ क्या। पहले आपने समझा गोकर्ण माने गाय का कान वाला, इतना ही नहीं है। गो का अर्थ होता श्रोत्र इंद्रिय, जिससे हम शब्द सुन रहे हैं। गो माने इंद्रिय और कर्ण माने ये जो आप प्रवचन कथा भागवत सुन रहे हो, आंख से सुन रहे हो कि कान से सुन रहे हो। कर्ण माने कान, कान से जो सुनी गई बात है वो बात एक न एक दिन आपका कल्याण जरूर करेगी। वो गोकर्ण महात्मा जो थे उसने कहा था कि संन्यास में सुख है, पर ब्राह्मण को बात भाई नहीं, पर उसके कान में जो बात पड़ गई थी आज वही उनके कान में गई हुई बात उनका कल्याण कर रही है। इसलिए मैं भी दावे के साथ में प्यारे श्रोतागण आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आज की मेरी कथा की बात आपको भावे या न भावे, पर मैंने तुम्हारे कान में बीज डाल दिया, एक न एक दिन ये कथा की बात ही तुमको शांति प्रदान करेगी। कैसी भी परिस्थिति आएगी यही तुम्हें शांति प्रदान करेगी, संतोष प्रदान करेगी, दुनिया का बोध कराएगी कि संसार ऐसा ही है। इसलिए भागवत की अद्भुत कथा, उसके बाद में आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण के समझाने पर वैराग्य हो गया, वो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। रात्रि के समय धुंधकारी धुंधुली के पास में आया और कहने लगा हो पापी नहीं, धन को कहां छुपा करके रखा, निकाल। और घर की यह स्थिति कर डाली थी, पैसा तो एक नहीं रहा। यज्ञ दक्षिणा में महंगे बर्तन मिलते थे, उनको उठा करके ले भागा और बाजार में बेच करके दासियों को पैसे देने लगा। आज घर में कुछ नहीं तो धुंधुली से मांगने लगा। धुंधुली ने कहा रे बेटा तुमने क्या छोड़ा जिसको मैं छुपा के रखूं। बोले और भाषण मत दे तो निकाल, अनिश्चय लत्या न चेत, नहीं तो लातों ही लातों से मारूंगा तुझे भी। ब्राह्मणी कहां से निकाल करके देती, लाते गों से मारने लगा, मार पीट करके चला गया। ब्राह्मणी ने सोचा कि रोज रोज मारेगा, इससे तो एक दिन मरना ही अच्छा है। रात्रि को घर से निकली, कोई पानी का कुआं था उसमें जाकर के छलांग मार गई। ध्यान देना, जिसने पति को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, प्रायः संतान को अपनी बताई, पति के सामने झूठ बोला,
पति से बात छुपाई। ऐसी महिला को कभी अंत में जीवन में शांति नहीं मिल सकती है, उसकी तो वही दशा होगी। कैसे उसको शांति मिलेगी जब वो कुएं में जाकर के छलांग मार गई? तो इधर गोकर्ण ने देखा कि भाई के तो लक्षण अच्छे हैं नहीं, माँ बाप दोनों घर में रहे नहीं, तो नरक में रह करके मैं क्या करूंगा। तीर्थ यात्रा का बहाना किया, वो भी निकल पड़ा। धुंधुकारी अकेला घर में रह गया। पांच पांच वैश्याओं का वासना का वारांगनाओं का संग कर रहा था, उनको घर में लाकर के रख ली। धन की पैसे की डिमांड होने लगी, कहीं झूठ बोले, ठगी करे, चोरी करे, लाला करके धन देने लगा। दासियों ने एक दिन विचार किया कि ये इसका तो निजी तो कुछ है नहीं, और ठगी चोरी झूठ का लाकर के देता है, पुलिस पकड़ेगी तो ये तो मरेगा सो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। ये पकड़ में आवे उसके पहले इसको ऊपर वाले को पकड़ा दे तो अपने तो बचेंगी। योजना बना ली, वो कैसे धन ला करके दिया, उन्होंने अपने कब्जे में किया, खिलाया पिलाया सुलाया, और जो ही उसको नींद लगी, योजना बना रखी थी, दिन में एक रस्सी उठाई और पांच बना करके गले में डाला, दो ने इधर खींचा, दो ने इधर खींचा, एक ने खोपड़ा पकड़ दिया पांसी। अब वो छटपटाने लगा। आपने सुना होगा कि पापी के प्राण इतनी आसानी से तो नहीं निकलते, मरे नहीं। तब एक दासी बोली, रे ऐसे नहीं मरेगा, मारने का उपाय मैं जानती हूं, तुम खींच के रखना। दौड़ी 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 घर के अंदर गई, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, अंगारे धधक रहे थे, वो कड़छू होती है ना उसमें भर करके लाई, और उस धुंधुकारी के मुंह के अंदर अंगारे पटके। जब वो अंगारे उसके मुंह में पड़े, दुर्दशा से अकाल मृत्यु, महापापी के प्राण निकले। बाकी घर में जितना माल ताल कुछ जो भी था बचा खुचा, वो वारांगना ले दे करके 9, 2, 11 वो भी भाग छूटी। ब्राह्मण के घर की वो दशा, नौपत बाजे बाजते होते 36 राग, वो मंदिर सोने पड़े बैठन लागे काग। दरवाजा खिड़की बंद करने वाला कोई नहीं है। उधर मर कर के दुर्दशा से मरा, पापाचरण के कारण जीवन में एक काम अच्छा नहीं किया, इसलिए मर कर के प्रेत योनि में गया, भूत बन गया बाबा, प्रेत बन गया। भाई को पता लगा कि तुम्हारे भाई को तो वारांगनाएं पासे लगा के मार के गई, तो गोकर्ण तीर्थों में जाकर के गया जी में जाकर के श्राद्ध कर्म किए, फिर रात्रि को लौट करके एक दिन वापस आए, देखा तो घर तो सुनसान पड़ा है, अकेला गोकर्ण घर में सोया। रात्रि का मध्य का समय आया, गोकर्ण के सामने अजीब दृश्य प्रकट होने लगे। वो देखता मध्य रात्रि को सकृत महेश सकृत अस्ति सकृत महेश्व भवत, कभी उसके सामने कोई हाथी आकर के खड़ा हो जाता है, कभी कोई भैंसा खड़ा हो जाता, कभी भेड़ा आकर के खड़ा हो जाता है, कभी इंद्र देवता, कभी अग्नि देवता, कभी कोई मनुष्य बनकर के आकर के खड़ा हो जाए। गोकर्ण ने रात्रि को पूछा, कस्तम उग्रतरो रात्रो, अरे ऐसे भयंकर रात्रि में तुम कौन हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हो रही है, बोलो बोलो कौन हो, कोई प्रेत हो, कोई पिशाच हो, कोई राक्षस हो, कौन हो तुम? गोकर्ण को आवाज सुनाई पड़ी, भैया मैं और कोई नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारी, तेरी ये दशा कैसे हो रही है, तरह तरह के रूप बना रहा है,
भैया मेरी गलती के कारण ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, मैंने उस कुल के नियमों का पालन नहीं किया और मैं अपने कर्मों से प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा मैंने तीर्थ यात्रा करके और गया जी में गया हूं, वहां तुम्हारे लिए श्राद्ध किया है फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत आत्मा कहने लगे कि उतना छोटा पापी नहीं हो कि केवल श्राद्ध से मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरे लिए कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण ने सोचा क्या उपाय करें, पंडितों से विद्वानों से पूछा कि